हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं लक्ष्मी और अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉक्सम प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें। जो तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉक्सकम प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे और भी साइड में हैं, तो ये सभी को मैं लगाई नहीं हूँ, प्लांटिंग नहीं की हूँ, सीड्स के ज़रिए सभी खुद ही ग्रो हुई है। सो देसी वैरायटी वाली कॉक्सकॉम का हाइट बहुत ज़्यादा होने पर उसके बाद फ्लावरिंग देना स्टार्ट करेगी। सो ये सभी मेरे पास है जो देसी वैरायटी लगी हुई है, एक भी इसमें से हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। और वहाँ पे भी कुछ है, कुछ और साइड में वो भी दिखाऊंगी। जो कॉक्सकॉम प्लांट है वो पूरा देखने में कोलियस प्लांट के लिए, कोलियस की लिप होती है, कोलियस प्लांट की जैसा लगती है। और सो इसकी वेरिएशन उसी टाइप से होती है, देखिए रेड रेड एंड साइड में ग्रीन ग्रीन। सो और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल सा होती है ये इसकी पत्तियाँ, और इसमें फ्लावरिंग भी होती है तो इसी टाइप से इसी कलर में होती है, और वेलवेट टाइप की देखने में लगती है कॉक्सकॉम फ्लावर। तो स्टार्टिंग में मैं जब इसका प्लांटिंग की थी तो यहाँ पे की थी, वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी कॉक्सकॉम फ्लावर। सो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो वही दो प्लांट स्टार्टिंग में मैं प्लांटिंग की थी अपने गार्डन में। तो आप अपने गार्डन में एक बार अगर कॉक्सकॉम प्लांट ऐड करेंगे तो वो अनलिमिटेड इसमें ग्रोथ होते जाएगी सीज़न आने पर। सो इसी टाइप से मेरे गार्डन में भी हुई है। एक ही बार मैं प्लांटिंग की थी तो उसी से सारा जो सीड्स होती स्प्रिंकल हो करके पूरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है सभी जगह में। सो रेनी सीजन में इसका ग्रोथ काफ़ी स्पीड होती है, और मई जून में सीड्स के ज़रिए इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। वो अक्टूबर मंथ में इसमें फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी बंचेस में, काफ़ी ब्यूटीफुल होती है देखने में। सो एक बार आप भी अपने गार्डन में इस फ्लावर को ऐड कर सकते हैं, देन अनलिमिटेड ग्रोथ उसमें होना स्टार्ट होगी एक बार ऐड करने के बाद में। तो इसमें अक्टूबर मंथ में फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है, और ये फ्लावरिंग पूरा मार्च अप्रैल मंथ तक पूरा चलते रहती है, इतनी अच्छी प्लांट है ये। सो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, एंड ये किसी भी मिट्टी किसी भी सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। सो ये मेरा तो यहाँ सैंडी सॉइल है, तो इसमें रेनी सीजन में ग्रोथ काफ़ी स्पीड होती है। तो ये देखिए, ये सभी छोटे छोटे और भी इधर काफ़ी सारे फ्लावर है, प्लांट है। देन यहाँ पर मैं बहुत सारे प्लांट को एक ही में करके रखी हूँ ताकि ये डेड ना हो जाए, क्योंकि रेनी सीज़न में इसका प्लांटिंग करने पर ये बहुत ही अच्छे इसमें ग्रोथ होती है। अभी जुलाई मंथ है और जुलाई मंथ में नॉन स्टॉप रेनिंग होते जाते, बट अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं सभी प्लांट जैसे जैसे निकले हैं तो मैं उनसे अभी इसी टाइप से छोड़ दी हूँ। सभी को एक लाइनिंग से अच्छी तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट बनाकर मैं इसे एक लाइन से लगाऊंगी, तो देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे। इसीलिए मैं इसे सब जगह अभी ऐसे ही रहने दी हूँ ताकि बारिश आना स्टार्ट होने पर, इसका प्लांटिंग करने पर इसकी इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। उधर भी काफ़ी सारे सो खरपतवारे निकल चुके हैं उधर, तो साथ में कॉक्सकॉम प्लांट भी है, तो उन सभी को मैं निकाल कर अच्छे से एक साइड में लगाऊंगी, तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जब इसमें कॉक्सकॉम प्लांट में फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगी पूरा बंचेस में, काफ़ी बड़ा बड़ा देखने में होती है, इस टाइप से पूरा बंचेस में फ्लावरिंग आती है। और जो देसी वैरायटी वाली कॉक्सकॉम होती है उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी मोटी होती है, सभी में इस टाइप से मोटे मोटे स्टेम देखेंगे आप। ये तो अभी इतनी छोटी इसकी लेंथ है, ये देखिए इस प्लांट की, और इसमें इतनी ज़्यादा मोटी स्टेम हो चुकी है। और जब इसकी लेंथ बहुत ही लंबी होती है देन इसकी स्टेमें तो और भी मोटी होती है। जब मैं स्टार्टिंग में दो प्लांट का ग्रोथ की थी, प्लांटिंग की थी, देन पूरा गार्डन इतना ब्यूटीफुल देखने में लगता था उसकी फ्लावर से। सो मेरे पास तो अभी इतने सारे कॉक्सकॉम प्लांट है, तो उसमें फ्लावरिंग आने अक्टूबर नवंबर मंथ में इसमें फ्लावरिंग आने पर देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये देखिए इतने सारे मेरे पास कॉक्सकॉम प्लांट है, तो कुछ इधर भी है, ये देखिए कितने सारे निकले हुए। सो ये इन सभी का मुझे प्लांटिंग करना है। देखिए ये मेरे ग्राउंड में जो कि कॉक्सकॉम का ग्रोथ हुई है, और इस साइड भी देखिए इतने ज़्यादा कॉक्सकॉम प्लांट मेरे पास हो चुके हैं। सो और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैं इसे दूसरी जगह से निकाल कर इसका प्लांटिंग की हूँ, तो इसकी स्टेम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मोटी है। सो इसमें मैं प्रूनिंग कर दी थी तो साइड साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, तो एक यहाँ पे है और वो वाले सीड्स के ज़रिए वहाँ से ग्रोथ हुई है उसकी, और ये वाले मैं प्लांटिंग की हूँ, तो देखने में कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग भी रहे हैं।
दूसरे साइड में प्लांटिंग की हुई है देखिए। तो अभी बारिश की वजह से इसकी पत्तियाँ सूखना स्टार्ट कर रही है। सो एक यहाँ पे प्लांटिंग की हुई, देन यहाँ पे खुद ही ग्रोथ हो रही है। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, और थोड़ा बारिश होने पर इन सभी प्लांट्स का मैं प्लांटिंग कर दूँगी अच्छी तरह से। सो मेरी आज की ये स्मॉल सा वीडियो कॉक्सकॉम प्लांट से रिलेटेड अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।